तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा। किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है, और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है। आईना दिखाइए तो अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक बहाना बनाया जाता है। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से डरते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को 2024 के लोकसभा चुनाव से भी डर है? क्योंकि यहां पर जैक डॉर्सी ने जो खुलासा किया, इसको लेकर विपक्ष की पार्टियां अब प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये कह रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री आखिर क्यों जैक डॉर्सी को रोक रहे हैं, आखिर किस किस को रोकते होंगे, क्या सभी को दबाव में लाना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट में। दर्शकों, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत ने देश के प्रधानमंत्री को डरपोक बता दिया। ये बता दिया कि देश के प्रधानमंत्री डरते हैं, इसलिए ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को जो है यहां पर किसानों की संबंधी जो खबरें हैं और तमाम लोग जो ट्वीट करते हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन आखिर क्या कुछ कहती हैं सुप्रिया श्रीनेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, आप खुद ही सुनिए। किस तरह से लोकतंत्र में हर उस आवाज का दमन किया जाएगा जो थोड़ी सी जरा सी भी हिम्मत दिखाएगा? और क्यों डरते हैं मोदी जी, क्यों डरता है इस देश का प्रधानमंत्री? इस देश का प्रधानमंत्री इसलिए डरता है क्योंकि करोड़ों रुपए खर्चा कर एक रंगी पुती छवि बनाई गई है, और जब ऐसे सच सामने आते हैं तो वो छवि ध्वस्त हो जाती है और बेनकाब हो जाता है कायर तानाशाह। मैं मोदी जी की जो कायरता है उस पर दो बात जरूर बोलूंगी, क्योंकि जब भी आप इनको सच का सामना कराइए, जब भी आप इनको आईना दिखाइए तो अंतरराष्ट्रीय साजिश का एक बहाना बनाया जाता है। और जैसा कि हमेशा होता है, सरकार की ओर से एक बेसिर पैर का ट्विटर ने फलाने कानून का उल्लंघन किया। किस कानून का उल्लंघन किया किसी को नहीं पता है। हाँ, एक कानून का उल्लंघन किया, शायद चरण वंदन पे थोड़ी कमी कर दी होगी, ये कानून का उल्लंघन था सरकार की ओर से, और खासतौर से भाजपा के प्रवक्ताओं की ओर से, भाजपा के सांसदों और मंत्री की ओर से जबरदस्त ट्वीट्स आने शुरू हो गए। पर मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट भी जो है वो उबाऊ हो चुकी है और तानाशाह का असली चेहरा सामने आ गया। तानाशाह का मुझे लगता है अगर आप गूगल में डालिए तो शायद ये चेहरा सामने आता है। अब इनको पीछे करते हुए ये चेहरा सामने आने लगा है। लेकिन ये तानाशाह डरपोक है। ये तानाशाह इसलिए डरपोक है क्योंकि ये किसानों के खिलाफ अपनी निरंकुश पुलिस, ये किसानों के खिलाफ NIA, ये किसानों पर लाठियां बरसाने का काम करते हैं और सच को छुपाने का काम करते हैं, और वो सच बार बार उजागर होता है। और आज सरकार को ये बताना है, और ये जो बेकार के तथ्य कहे जा रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, आज जैक डॉर्सी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उनको झूठ बोलने से क्या मिलेगा? क्या वो ट्विटर के सीईओ हैं? क्या वो ट्विटर के बोर्ड पर हैं? 2021 में वो सीईओ बनना बंद हो गए थे, 2022 मई से, अगर मैं गलत नहीं हूं, या मार्च से वो बोर्ड पर नहीं है। उनको क्या मिल रहा है ये सच उजागर कर? मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र को जो कमजोर करने की बात राहुल गांधी कहते हैं, इससे बड़ा प्रमाण दूसरा कोई नहीं है कि चुन चुन कर प्लेटफॉर्म्स को यह कहा जा रहा है कि असलियत मत दिखाइए, असलियत को छुपाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर छापे मारेंगे, तुम्हारे दफ्तरों को बंद कर देंगे। यह असलियत है सरकार की। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि सुप्रिया श्रीनेत ने देश के प्रधानमंत्री पर जमकर हमला किया। ये तक कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री डरते हैं, क्यों डरते हैं इसकी असलियत बताई। अब देखना ये पड़ेगा कि सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान को सुनने के बाद प्रधानमंत्री सहित बीजेपी पार्टी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए